स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री है क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन में इस इंट्रोडक्शन में हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं, उससे पहले हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, तो उसमें क्या सब आता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख ही देता हूं, ध्यान रखिए। यू शुड ऑलरेडी यू शुड ऑलरेडी बी फैमिलियर यू शुड ऑलरेडी बी फैमिलियर विद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बिफोर लर्निंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। समझ गए बच्चों, आपको किस टॉपिक से खासकर फेमिलियर होना पड़ेगा, तो अलजेब्रा और दूसरा है ज्योमेट्री। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक कंप्यूटेशनल कंपोनेंट है ज्योमेट्री का, याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिए कि ट्रिगोनोमेट्री इज या बिगेन, चलिए इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बिगेन एज, कैसे शुरू किया गया, एज द कंप्यूटेशनल कंपोनेंट ऑफ ज्योमेट्री। कंप्यूटेशनल कंपोनेंट ऑफ ज्योमेट्री, जरा आप लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब है कि इसमें मैंने भी जो कहा था कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर ध्यान देना है, तो वो उस पर ध्यान दीजिए कि फ्रॉम अलजेब्रा, अब क्यों ऐसा है, तो फ्रॉम अलजेब्रा यू शुड बी कंफर्टेबल यू शुड बी कंफर्टेबल विद मैनिपुलेटिंग विद मैनिपुलेटिंग
with manipulating algebraic expression and solving equations. From solving equations हो गया. अब देखिए from geometry ये तो हो गया algebra का, तो from geometry क्या चीज जरूरी है geometry में? You should know about you should know about similar triangle उसके बाद पाइथागोरियन थ्योरम एंड फ्यू अदर्स कुछ और. अब इसके यूज हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या है उस पर ध्यान दीजिए. तो हिस्टोरिकली ये डेवलप जो किया गया था, किसके लिए? तो फॉर एस्ट्रोनॉमी. याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी किया जाता है, हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी किया जाता है. हाँ, तो जो एस्ट्रोनॉमी तो जनरली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज यानी हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी होता है, और उसमें ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से नेपियर साहब ने भी उसको ये किया था. स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री पर उन्होंने डिस्कस किया था, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में मतलब कि मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री का एस्ट्रोनॉमी में यूज किया था. हाँ, तो ये हुआ एस्ट्रोनॉमी में यूज. फिर ज्योग्राफी में भी इसका यूज है. जो ज्योग्राफी में जैसे आप पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो एंगल जो है उसका, जो डिस्टेंस है स्टार्स का, जितने भी कैलकुलेशन पढ़ते हैं आप वो सब, हाँ जैसे उसका इक्वेटर से या कहीं से भी आप जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो डिस्टेंस वगैरह है और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो वो सारे के सारे मैथमेटिकल फॉर्म में ही मिलता है और मैथमेटिक्स के हेल्प से मिलता है, और वो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज किया गया है. ठीक है, तो ज्योग्राफी. लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या कहे सो सुनिए. बट साइंटिस्ट have been using it for other purposes besides mathematics. Trigonometry is
यूज्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बच्चों पॉलिनोमियल का भी यूज होता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को जो हम लोग बैलेंस करते हैं उसमें पॉलिनोमियल का यूज होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का भी उसमें यूज होता है। आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो केमिस्ट्री का भी उसमें बढ़िया यूज है, अच्छा यूज है। तो केमिस्ट्री का यूज, केमिस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है, लीनियर अलजेब्रा में यूज होता है, मैथमेटिक्स के कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। तो ये सब जो यूज दिखाया गया है स्टैटिस्टिक्स, अब देखिए ये स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पार्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पार्ट में यूज होता है, और इसको जनरली सोसाइटी से ही जोड़ा गया है, हैं? अब इसमें चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें या हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स को एक तरह से डेटा के रूप में यूज किया जाता है जो हम उस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो खेल के खेल में जनरली जो यूज होता है कि इस तरह से एवरेज निकालने में कि इस तरह से इसका ग्राफ बढ़ा है, या अभी जैसे कोरोना का चल रहा है प्रॉब्लम, तो आप देखे होंगे ग्राफ में कि वो चल रहा है कि किस तरह से 10 दिन में, एक सप्ताह में, डेज के हिसाब से कैसे ग्राफ बढ़ा है। तो वो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो डेटा को, यानी कि मंथ के हिसाब से, डे के हिसाब से, वो एक तरह से डेटा को क्या करता है, बढ़ते हुए या घटते हुए स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दिखाता है कि यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है, या कंट्री वाइज दिखाता है, है ना। तो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स को अपने सोसाइटी का सब्जेक्ट कहा गया है, ये उस समाज से ज़्यादा एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम कह सकते हैं एक तरह से कि हमारे, वैसे तो मैथमेटिक्स ही सर्वेंट ऑफ सोसाइटी है, तो हमारे सोसाइटी की एक तरह से बहुत ही, मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो बस ट्रिगोनोमेट्री का यूज स्टैटिस्टिक्स में भी होता है, ये हमको ध्यान रखना होगा, है ना बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री को मैं बता देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री का जो एक पार्ट है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री जो कि स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री ये यूज हुआ है आपका, ये एस्ट्रोनॉमी में यूज हुआ है, ये अलग तरह का ट्रिगोनोमेट्री है जो उन्होंने, जिसको यूज किया गया है, यानी कि एक्चुअली ये मैं बता दूं कि इस, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री का, ये एक्चुअली स्फेयर के, स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को जो बताया गया है उसको समझाने के लिए जो यूज किया है वो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, इसलिए उसको स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। अब जैसे हमारा अर्थ है उसका भी सेप लगभग स्फेयर के रूप में है, तो वो उसका जो स्टडी किया जाता है, अर्थ का स्टडी किया जाता है या कोई प्लैनेट्स का स्टडी किया जाता है वो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री में किया जाता है, हाँ। और इसीलिए ये जो है ना इसको स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है, और उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों।